हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कैसे हो सकती हैं और डिटरमिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर रेगुलेशन क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है उसमें। ठीक है, हमारी बॉडी कैसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ऑपरेट करती है ताकि हम ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज है तो उसे नॉर्मल लाया जा सके और इंक्रीज है तो भी नॉर्मल लाया जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब देखो, हर बुक्स में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो है अलग अलग टाइप से परफॉर्म है। किसी में वेजोमोटर सेंटर सेंट्रल पार्ट्स को पहले एक्सप्लेन किया है, फिर रिफ्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर क्वेश्चन आता है, रेगुलेशन पार्ट अगर आता है क्वेश्चन, तो हमें कैसे परफॉर्म करना है। सारी बुक्स को भूल जाओ, क्या है, एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। हमें बात करनी है टाइम टू टाइम कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। बेसिकली ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इंटरमीडिएट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है ये कुछ सेकेंड्स में ही ऑपरेट होती है, सेकेंड्स टू आवर्स तक ऑपरेट होती है ये। ठीक है, तो बेसिकली हम टाइम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, समझ गए ना, कि जब ब्लड प्रेशर डेविएट होगा नॉर्मल से तो पहले कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे, फिर कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे और लास्ट में कौन से होंगे। तो सेकेंड्स टू आवर्स जो है हमारे शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन काम करता है। ठीक है, देन इंटरमीडिएट टर्म जो कि हमारे मिनट्स से टू टू थ्री डेज तक काम करता है और डेज टू मंथ तक और कई बार ईयर्स तक काम करता है हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो समझ आया, टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, उसमें सारे मैकेनिज्म्स आ जाएंगे, हमारी माइंड में भी क्लियर होंगे और एग्जामिनर को हम एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। अब देखो, हमारी बॉडी है उसमें ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब हर टिश्यू को ब्लड जो है वो नॉर्मल चाहिए। अब हम उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, रन करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज में भी हमारे टिश्यूज को नॉर्मल फ्लो मिलता रहता है। कैसे? बिकॉज ऑफ दीज न्यूरल मैकेनिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है जो कुछ सेकेंड्स में ही हमारा जो बीपी, हम उठते हैं, बैठते हैं, रन करते हैं, हमारा जो बीपी डेविएट होता है, ब्लड प्रेशर जो चेंजेस आते हैं उनको वो ब्रिंग बैक करता रहता है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अराउंड 6 सेकंड टू 15 सेकंड में वो ऑपरेट करता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर फॉल या राइज होता है तो कैसे वो मैकेनिज्म जो है ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन की बात करते हैं, इसमें तीन मैकेनिज्म है जो आपको आने चाहिए। वन इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सेकेंड इज हीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एंड थर्ड इज सीएनएस इस्कीमिक रिफ्लेक्स। एक एक करके हम बात करेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे पाथवे होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है, बैरोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, बैरो मतलब कुछ प्रेशर सेंस करने वाले रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर जो प्रेशर को सेंस करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर जब राइज होता है तो वो ऐसे रिसेप्टर हैं जो बेसिकली सिग्नल हमारी ब्रेन तक पहुंचाएंगे, राइट। तो ये बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कैरोटिड साइनस में, जब कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होती है तो यहाँ पे डायलेटेड एरिया होता है जिसमें बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात कैरोटिड साइनस। ठीक है, और दूसरी बात क्या, हमारे एओर्टिक आर्च, ये एओर्टा है और यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है, तो ये एओर्टिक आर्च में जो है हमारे सेंसर्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या है एओर्टिक आर्च। ठीक है, तो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है हमारी वेसल्स में, तो वेसल्स को वो स्ट्रेच करेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ कुछ स्ट्रेच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जब हाई बीपी होगा तो वो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने की वजह से वो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। अब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो सोडियम इनफ्लक्स होगा जिससे डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो जो भी नर्व उसे सप्लाई कर रही है वहां पे वो सोडियम चैनल जो है डीपोलराइजेशन करते हैं, उस नर्व की फायरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरोटिड साइनस में जो है नर्व होती है 9th नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है इसे सप्लाई करती है। ठीक है, और एओर्टिक आर्च में होती है 10th नर्व, वेगस नर्व। ठीक है, क्रैनियल नर्व 10th और 9th जो है इस इन्फॉर्मेशन को कि बीपी हाई है, ठीक है, इस हाई बीपी वाली इन्फॉर्मेशन को, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हाई है, स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, और फायरिंग होगी। तो फायरिंग होगी तो कौन सी नर्व लेके जा रही है बच्चों, 9th एंड
टेंथ क्रेनियल नाव जो है किसी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को वो लेके कहाँ जाएंगे, तो ये देखो हमारा, ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, ये हमारी मिडब्रेन है, मिडब्रेन, ठीक है, ये हमारा बोन्स और ये है मेडुला, फाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो मेडुला के अंदर कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे जो हार्ट और वेसल्स के डायमीटर को मेंटेन रखते हैं, हार्ट रेट, वेसल डायमीटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, सब यहाँ मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस एरिया को हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। तो ये जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व है ये मेडुला में इस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएंगी, NTS न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस NTS में ये इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, NTS में ये इंफॉर्मेशन जाएगी। अब NTS क्या करेगा, NTS हमेशा ग्लूटामेट रिलीज करता है, ये ग्लूटामेट जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब जहां भी ग्लूटामेट रिलीज होगा वो जहां भी इनर्वेट कर रहा है उसको एक्साइट करेगा, ठीक है। तो NTS एक्साइट कर रहा है CVLM को, CVLM, तो ये करेगा, स्टिमुलेट करेगा CVLM को। CVLM क्या होता है, इट्स कोडल वेंट्रोलेटरल मेडुला, वेंट्रोलेटरल मेडुला में ये दो एरियाज होते हैं, एक CVLM एक RVLM, CVLM मतलब कोडल एरिया, RVLM मतलब रोस्ट्रल एरिया। तो कोडल वेंट्रोलेटरल मेडुला में ये सिग्नल जाएगा। अब ये जो एरिया है ना ये स्टिमुलेट करता है वेगस को, स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, ठीक है, कार्डियोवेगल सेंटर को स्टिमुलेट करता है ये। और अगर ये कार्डियोवेगल सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होगी और वेगस नर्व क्या करेगी, हार्ट रेट को कम कर देगी और वेसल्स को डायलेट कर देगी। अब वेसल्स डायलेट हो रही है, हार्ट रेट कम हो रहा है, इससे होगा क्या, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बट दूसरी साइड ये पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट किया है इसने, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया है जिससे हार्ट रेट कम हुआ है, राइट, बीपी कम हुआ है, ओके। तो ये वाली ब्रांच है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, ठीक है। और दूसरी साइड ध्यान से देखो, ये सेम CVLM सिंपैथेटिक को इनहिबिट भी करता है, ठीक है, वो कैसे, ये RVLM को इनहिबिट करता है, दूसरा जो रोस्ट्रल एरिया है उसको इनहिबिट करता है। RVLM क्या होता है, इट्स नथिंग बट वेजो मोटर सेंटर, RVLM होता है VMC, ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है हमारे न्यूरल रिफ्लेक्सेस ये वेजो मोटर सेंटर को ही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं इधर या इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर बीपी ज्यादा होता है तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ RVLM या फिर वेजो मोटर सेंटर एंड स्टिमुलेशन ऑफ CVLM जिसकी वजह से वेगस स्टिमुलेट होगी। तो अल्टीमेटली स्टिमुलेशन ऑफ वेगस अकर जो कि डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज बीपी एंड वेजो डायलेशन करेगी, ये तीन चीजें होती हैं। तो बीपी बेसिकली कम हो जाता है, ठीक है, तो समझ आया, इंक्रीज इन बीपी लीड्स टू डिक्रीज इन बीपी। तो बीपी मेंटेन होने की कोशिश करता है वाया बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। सिनेरियो उल्टा भी हो सकता है, बीपी कम होगा तब क्या होगा, बीपी अगर कम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम बीपी कम लिख देते हैं, ठीक है, अगर बीपी कम होता है तो यही नर्व NTS लेके जाएंगी सेम, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये NTS जाएगी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर होगा और इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इंक्रीज इन बीपी। तो अगेन इंक्रीज इन बीपी होगा, तो ये करेक्ट हो गया, डिक्रीज इन बीपी, ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली अगर बीपी हाई होता है तो वेगस वाला पाथवे स्टिमुलेट होगा पैरासिम्पैथेटिक, और अगर बीपी कम होता है तो ये सिंपैथेटिक वाला जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। तो समझ आया, ये है हमारा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बीपी जो है अराउंड 6 to 15 सेकेंड में ये है करेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये हो गया बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज नेक्स्ट न्यूरल मैकेनिज्म विच कम्स अंडर शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, ठीक है। बात आती है, ये हमने कर लिया बैरोरिसेप्टर, अब बात आती है कीमोरिसेप्टर्स की। अब कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कीमोरिसेप्टर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, उसमें चेंजेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सेम दोनों जगह पे कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बट कीमोरिसेप्टर अलोंग विद दिस, एक तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं,
पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और पेरिफेरल जो है हमारे यही दो, बट यहाँ पे कैरोटिड साइनस की बजाय हम लिखेंगे कैरोटिड बॉडी, ठीक है, कैरोटिड बॉडी, और एओर्टिक आर्च की बजाय हम लिखेंगे एओर्टिक बॉडी, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर में ये डिफरेंस होता है कि कहाँ सिचुएटेड होते हैं, मेडुला में सिचुएटेड होते हैं और कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर्स हैं मेडुला में जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे एक्टिवेट होते हैं एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तब, ठीक है। और ये कब स्टिमुलेट होते हैं, जब हमारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो इन तीन कंडीशंस में जो है हमारे ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, ये एक्टिवेट होंगे। तो समझ आया, ये प्रेशर को सेंस कर रहे थे बैरोरिसेप्टर, मतलब प्रेशर सेंसर्स, ये कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल कंपोजिशन को सेंस कर रहे हैं। तो ये है केमिकल कंपोजिशन, ब्लड में जब एच पॉजिटिव बढ़ेगा तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, और ऑक्सीजन CO2 और एच पॉजिटिव अगर बढ़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो जो है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, सेम तरीके से लेके जाएंगे 9th और 10th क्रेनियल नर्व से सेम NTS, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ भी NTS में जानी है, बट इन्फॉर्मेशन NTS के साथ साथ यहाँ पे NTS से जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स में भी जानी है मेडुला में, ओके। तो इस कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का बेसिकली रिजल्ट क्या रहेगा, ये रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करने के लिए होता है प्रीडोमिनेंटली, बट सेम रिफ्लेक्स से ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स कब स्टिमुलेट होंगे, ये देर इज इंक्रीज इन एच पॉजिटिव एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड देर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टिमुलेट करेंगे। तो ये जब स्टिमुलेट करेंगे तो दिस इन्फॉर्मेशन गोज टू NTS, NTS के बाद क्या होगा, देर इज स्टिमुलेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर एंड देर इज स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक है, जिससे होगा क्या, देर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी राइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बीपी की, बट हमने यहाँ बात की केमिकल कंपोजिशन की, तो इस कीमो रिसेप्टर का बीपी से क्या कनेक्शन है, ये हमारी रेंज पे ऑपरेट करता है, बैरोरिसेप्टर ऑपरेट करते हैं रेंज पे 62-200 mmHg को मेंटेन करने के लिए। अब अगर 60 तक बैरोरिसेप्टर मेंटेन नहीं कर पाए और बीपी फर्दर फॉल हो रहा है तो अराउंड ये जो है 50 तक अगर आ गया है तो हमारे कीमो रिसेप्टर प्लेन में आएंगे और बेसिकली इस सेम मैकेनिज्म से बीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो डिक्रीज इन बीपी विच लीड्स टू दिस चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जिसकी वजह से कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और यहाँ पे अल्टीमेटली बीपी को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूरल मैकेनिज्म की, जो कि है लास्ट शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, विच इज कॉल्ड CNS ischemic response भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको एक और नाम से बोलते हैं लास्ट डिच स्टैंड। इसका क्या मतलब है कि जब सारे मैकेनिज्म फेल हो गए हैं तब हमारा ये आखिरी मैकेनिज्म है जो काम कर सकता है, विच इज लास्ट डिच स्टैंड। अब शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म में ये जो है ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है, लेकिन लास्ट डिच होता है, भाई इससे हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। ये कब एक्टिवेट होगा, जब बीपी 50 से भी कम हो जाएगा, सिस्टोलिक जो बीपी है जो नॉर्मल 120 होता है वो 50 से भी अगर कम हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें सीधा मेडुला में इस्कीमिया हो रहा है, सीधा मेडुला में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो देर इज डिक्रीज ऑक्सीजन इन वेजोमोटर सेंटर डायरेक्टली, विच लीड्स टू इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर। तो बेसिकली ये लास्ट डिच स्टैंड और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है वेजोमोटर सेंटर का। तो वेजोमोटर सेंटर क्या करेगा, वेजोमोटर सेंटर इंटेंस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से देर इज सडन राइज ऑफ बीपी। तो जहाँ 50 mg 40 mmHg बीपी है, ठीक है, वो सडनली 250 mmHg बीपी राइज करने की कैपेसिटी रखता है,
दिस इज लास्ट डिच स्टेप, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर, ये तो हमारी हो गई अक्यूट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, जब भी ब्लड प्रेशर हमारा कुछ सेकेंड से कुछ